फिनियस एंड फर्ब एक बहुत ही पॉपुलर शो है। इस शो को बचपन में काफ़ी लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने इस शो को देखा होगा इस शो के फैन जरूर बन गए होंगे। पर इस शो को अब बंद कर दिया गया है, इसके पीछे क्या वजह था इस वीडियो में इस शो के बंद होने के वजह के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ अनोन फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। फिनियस एंड फर्ब इस शो के मुख्य किरदार है फिनियस फ्लिन और फर्ब फ्लेचर। वेट, अब आपने फिनियस फ्लिन और फर्ब फ्लेचर का पूरा नाम ध्यान से सुना होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इन दोनों भाइयों का लास्ट नेम अलग क्यों है। इसके पीछे का कारण यह है कि ये दोनों सगे भाई नहीं है, ये दोनों सौतेले भाई हैं। अब आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कुछ भी अनाप शनाप बक रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। इसके पीछे का कारण यह है कि फिनियस और कैंडेस की मॉम लिंडा फ्लिन लव हैंडल शो में गई हुई थी, जिसमें फॉब के डैड लॉरेंस फ्लेचर भी आए हुए थे और इस शो में दोनों की मुलाकात हुई और उन दोनों ने बाद में शादी कर लिया। फिनियस एंड फॉब को डैन प्रोबन मायर एंड जेब मार्स ने मिलकर बनाया है और यही दोनों इस शो के क्रिएटर हैं। एक दिन डैन प्रोबन मायर अपनी पत्नी के साथ कैलिफोर्निया के साउथ पसाडीना में मौजूद वाइल्ड थाइम पिज्जा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हुए थे। इस रेस्टोरेंट की टेबल पर गूचर पेपर और वैक्स क्रेयन रखा हुआ रहता है जब तक कि आपका कोई ऑर्डर ना आ जाए, तब तक आप इससे ड्राइंग कर सकते हैं। तब डैन प्रोबन मायर ने वहाँ पर रखी गूचर पेपर पर ड्राइंग बनानी शुरू कर दी और उन्होंने ट्रायंगल शेप का एक कार्टून ड्रॉ किया और कुछ देर बाद उन्होंने जेब को फ़ोन लगाया और कहा, भाई हमको फिनियस मिल गया है। जिस तरह फिनियस के मुंह को ट्रायंगल शेप में ड्रॉ किया गया है वैसे ही फब के मुंह को रेक्टेंगल शेप और कैंडेस को हाफ सर्कल शेप में ड्रॉ किया गया है। ऐसा करेक्टर डिज़ाइन करने के पीछे का कारण यह है कि वे दोनों आसानी से ड्रॉ करने वाले कार्टून करेक्टर बनाना चाहते थे जो कि बाकी कार्टून सीरीज से डिफरेंट हो। डैन प्रोबन मायर एंड जेब मार्स ने फिनियस एंड फॉब को टीवी पर टेलीकास्ट करने के लिए सबसे पहले फॉक्स स्टूडियोज के पास गए, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वे निकलोडियन के पास गए, वहाँ पर भी बात नहीं बनी। इस शो को टीवी पर लाने के लिए डैन प्रोबन मायर एंड जेब मार्स को 6 साल तक इधर उधर भटकना पड़ा और अंत में डिज्नी से उनकी मीटिंग्स फिक्स हुई और काफ़ी मशक्कत करने के बाद इस शो को डिज्नी पर लाया गया और ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिनियस एंड फॉब एक म्यूजिक कॉमेडियन कार्टून शो है। इस शो की शुरुआत 1 फरवरी 2008 में हुआ था जो कि 12 जून 2015 तक चला। इस सीरीज में 4 सीजन थे जिसमें टोटल 222 एपिसोड थे। इस शो के लिए डैन प्रोबन मायर एंड जेब मार्स को 24 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया जिसमें से इस शो ने 10 अवार्ड्स जीता था। फिनियस एंड फॉब के सीरीज के पीछे एक अफवाह यह भी है कि फिनियस फॉब और कैंडेस रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे और उनके डेथ के बाद इस सीरीज का स्टोरी वहाँ से लिया गया फिर क्रिएट किया गया। पर इनके क्रिएटर्स डैन प्रोबन मायर एंड जेब मार्स ने कहा था कि इस स्टोरी को उन लोगों ने लिखा है। 2010 में फिनियस एंड फॉब का एक स्पिन ऑफ सीरीज आया था जिसमें ये दोनों सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते हैं। ये सीरीज 2010 से 2011 तक चला था पर यह सीरीज हिंदी में नहीं आया था। फिनियस एंड फॉब शो के बंद होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि इनके क्रिएटर्स इस शो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते थे। उनका कहना यह था कि किसी भी अच्छी चीज़ का अंत एक न एक दिन होना तय है और उन्होंने यह भी कहा था कि शो को फ्यूचर में दोबारा से लाया जा सकता है। फिनियस का इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट का नाम विंसेंट मार्टेला है और उन्हें इस शो के लिए 5 मंथ्स तक ऑडिशन देना पड़ा, तब जाकर उनको इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। इस शो में जिन्होंने फिनियस को हिंदी वॉइस दिया उनका नाम फैभव ठक्कर है। इस शो में फॉब के इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट थॉमस सैंगस्टर है, इसके हिंदी वॉइस आर्टिस्ट कौस्तुभ घोष है। इस शो में कैंडेस के इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट एसली टिस्डेल है, इसके हिंदी वॉइस आर्टिस्ट उर्वी असर है। फिनियस का एक प्लैटिपस होता है जिसका नाम पैरी होता है। वो एक सीक्रेट एजेंट होता है
पेरी एक सीक्रेट एजेंसी में काम करता है जिसका नाम OWCI यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ कूल एक्रोनियम होता है। प्लैटिपस पेरी के बॉस का नाम मेजर फ्रांसिस मोनोग्राम होता है जो कि पेरी को एजेंट पी के नाम से बुलाता है। डॉक्टर हेंच डूफेंसमर्च इस शो में एक साइंटिस्ट रहता है जो कि इस दुनिया को तबाह करने के लिए और अपने बदला लेने के लिए नया नया इन्वेंशन बनाता है और उसके हर बुरे इन्वेंशन को एजेंट पी नाकाम करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर 200 लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि फिनियस एंड फॉब शो को दोबारा से आना चाहिए या नहीं। और मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।